शहर विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर चंद दिनों से फिर सुर्खियों में है। वजह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस सीट से चुनाव लड़ना है। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में आने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में ही गोरखनाथ का मंदिर है, उसे लगा मठ योगी का अपना आवास है। उत्तर भारत की मशहूर धार्मिक पीठों में शुमार और नाथ पंथ का हेडक्वार्टर मानी जाने वाली इस पीठ के मौजूदा पीठाधीश्वर योगी ही हैं। पीठ के पीठाधीश्वर का चुनाव लड़ना और पीठ के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था भी इस सीट की सुर्खियों की वजह है। यूं तो योगी 1998 से लगातार 5 बार गोरखपुर की लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके देश के विरले सांसदों में शामिल रहे हैं। अपवाद को छोड़ दें, लोकसभा के हर चुनाव में उनके वोटों की संख्या बढ़ी है। उनको मिलने वाले मतों की संख्या देश के सर्वाधिक मत पाने वाले गिने चुने दिग्गज राजनेताओं के बराबर होती थी, पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुत फर्क होता है। मुद्दे अलग होते हैं, अन्य समीकरण भी हार जीत में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में उस सीट का इतिहास प्रासंगिक हो जाता है। जहां तक गोरखपुर शहर विधानसभा सीट के इतिहास की बात है, तो यह सीट भगवा खेमे का एक ऐसा अभेद किला है जिसे पिछले लगातार 33 साल से कोई भेद नहीं पाया। 1989 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस का सूरज डूबा तो अभी तक निकला ही नहीं, सपा और बसपा की तो बोहनी तक नहीं हुई। इस विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था, तब कांग्रेस के इस्तीफा हुसैन जीते थे। वह दोबारा 1957 में भी जीते। 1962 में कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला, इस्तीफा हुसैन की जगह नियामतुल्लाह अंसारी को टिकट दिया। उन्होंने भी जीत दर्ज की। इस तरह सीट पर कांग्रेस ने जीत की तिकड़ी बनाई, पर चौका लगाने की आस धरी की धरी रह गई। इसके बाद से भगवा खेमे में इसे अपना गढ़ बना लिया। 1967 में जनसंघ से उदय प्रताप दुबे, 1969 रामलाल भाई, 1974 और 77 में अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने इस सीट से भगवा झंडा फहराया। 1980 और 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री ने इस सीट का कांग्रेस से प्रतिनिधित्व किया। वह प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, पर इसके बाद कांग्रेस के हाथ से यह सीट फिसल गई। यहां भगवा रंग फिर छा गया। भाजपा के शिव प्रताप शुक्ल ने पहली बार इस सीट पर चौका मारा। 1989 से 1996 तक उन्होंने लगातार 4 बार भाजपा की ओर से जीत दर्ज की। वह भी प्रदेश की 2 सरकारों में मंत्री रहे। वर्ष 2002 से इस सीट पर डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल विधायक हैं। शुरुआत उन्होंने हिंदू महासभा से की थी। शिव प्रताप के खिलाफ उनको लड़ाने और जिताने वाले भाजपा के ही लोग थे, लिहाजा मूल रूप से वह भाजपा के ही थे और पहले चुनाव के बाद उन्होंने बाकी चुनाव भाजपा से ही लड़कर जीत दर्ज की। फिलहाल उनका टिकट कट गया है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव उनको टिकट देने का खुला ऑफर दे चुके हैं। उधर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने रणभेरी बजा दी है, जबकि किसी भी दूसरे की उम्मीदवारी से बेपरवाह भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष उत्साह से लबरेज हैं। उनका कहना है, यहाँ महाराज जी पूर्वांचल में प्यार से योगी को लोग यही कहते हैं, नहीं जनता चुनाव लड़ रही है, इससे वह अपना चुनाव मान चुकी है। महाराज को सिर्फ वोट देने आना है।